अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज तो सब जनसंख्या वृद्धि में सपोर्ट कर रहे हैं, है ना? काफी सारे लोग आए आज, मैक्सिमम सब लोगों का स्वागत है। ठीक है, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज आप लोगों का पीपी सवानी वालों का लास्ट डे है, कल से वो बच्चे तैयारी करेंगे, तो आप लोगों का वैकेशन नज़दीक आ गया। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, है ना? यस, ऑल ऑफ यू आर वेरी एक्साइटेड, आई नो वेरी वेल। इसलिए मुझे लगता है आज सारे बच्चे आने वाले हैं, जो चेहरे नहीं भी दिखे वो भी आज दिखने वाले। आज लास्ट डे है तो हर बच्चा यही सोचता है, यस सर आज तो चले ही जाते क्लास। 5 डेज का हॉलीडे ही है, वैकेशन नहीं है। ठीक है, उतना भी बहुत है आप लोगों के लिए, इतने टाइम से घर पे एंजॉय तो कर रहे हो, हैं? पूरे लॉकडाउन में इतना बड़ा वैकेशन आपने एंजॉय किया, अब क्या करोगे छुट्टी लेके? और वैसे भी कोई सेंस नहीं बनता, देखो हम कहीं जा तो सकते नहीं है, लॉकडाउन में कहाँ जाके करोगे, तो छुट्टी का कोई सेंस इतना बनता भी नहीं है। या तो हो आप लोग कहीं अच्छी जगह घूमने जा सकते हो, है ना, आसपास ही अपने घूम लेना थोड़ा बहुत। ठीक है, हाँ लॉकडाउन नहीं है, लेकिन लॉकडाउन जैसा माहौल रहेगा अभी 1-2 महीने तक, और ऐसा ही रहेगा। नेक्स्ट ईयर ही जो होगा सो होगा। चलो अटेंडेंस लेते हैं आप सबकी। किरमी चौधरी प्रेजेंट सर। एंजल प्रेजेंट सर। अनिरुद्ध हेलो। गवर्नमेंट ने 21 दिन का वैकेशन दिया है, अच्छा, लेकिन स्कूल वालों ने कट कर दिया। बोलो स्कूल वालों को, स्कूल के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को बोलो, बेटा सर हमारा वैकेशन बढ़ाओ। स्कूल के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से बोलो जाके, आज से वैकेशन आपका स्टार्ट हुआ है, चलो मारवा जाइए। अच्छा, मारने में सब उस्ताद है यहाँ पे हमारे यहाँ। चलो हमने वैकेशन जो ही है, हमने वैकेशन जो ही है, नारे लगाओ सब लोग जाके, रैली निकालो। ध्रुव चौधरी प्रियंका पूजा प्रेजेंट सर। भूमिका प्रेजेंट सर। मितेश सपाटा फोड़वा जो ही है, सपाटा क्या होता है बेटा, गुजराती वर्ड है शायद, अच्छा मारना चाहिए, ओके मारो जाके, जो करने करो, आपके पास पूरा अधिकार है, आपके पास डेमोक्रेसी है, आप भारत के नागरिक हो, आप कुछ भी कर सकते हो। साहिल स्टेफी प्रेजेंट सर। 18 प्लस हो गए ना सब लोग, आप 12th में, मतलब 18 के हो गए या 17 के हो? अच्छा अभी 1 साल छोटे हो, अच्छा कुछ 18 के प्लस होंगे, कुछ टिल 18 से डाउन होंगे, 17 के आसपास होंगे, है ना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अधिकार तो है आपके पास, ऐसा नहीं है। ओम पटेल प्रेजेंट। केशवी राणा प्रेजेंट सर। कृपल प्रेजेंट सर। दर्शनिका प्रेजेंट सर। टिशा प्रेजेंट सर। दर्शित प्रेजेंट। वंश प्रेजेंट सर। मयूर प्रेजेंट सर। खुशबू निराली
प्रेजेंट सर। लीजा तनुश्री प्रेजेंट सर। दीप चौधरी प्रेजेंट। तन्वी प्रेजेंट सर। शिवानी कैनिल संजो अदिति जील प्रेजेंट सर। Zeal is present. Aditi is also present. Okay. चलो आ जाओ भाई एस पी वाले बच्चों। आदित्य present sir. वर्षिल present sir. खुशी पटेल present sir. यश present sir. नील पटेल नील पटेल क्या गयो प्रेजेंट छे। भावना शर्मा प्रेजेंट सर। ध्रुव ब्रज प्रेजेंट सर। चंदन प्रेजेंट सर। इतना मरे हुए आवाज में क्यों बोल रहा है बेटा नया नहीं है क्या। वृत प्रेजेंट सर। कम से कम जोश में तो बोलो। अटेंडेंस में भी तुम्हारी ऐसी हालत होती है सुबह सुबह हैं। अभिषेक बेटा अभी तो ऑनलाइन ही हो रही है ऑफलाइन देनी पड़ेगी तब क्या करोगे हैं। ये साल तो अच्छा है तुमने मौज में काट लिया ऑनलाइन अटेंडेंस में सारा साल निकल गया। अभिषेक कुश पटेल प्रेजेंट सर। प्रियांशी प्रेजेंट सर। धार्मिक प्रेजेंट सर। लक्ष प्रेजेंट सर। हर्ष नंदिनी प्रेजेंट सर। मनीषा प्रेजेंट सर। संजना जयवीर पल्लव प्रेजेंट सर। देवराज हर्षिल। चलो कोई रहेगी हो मेरा बाकी है। किसका बाकी है बताओ नाम बताओ। ललित। ललित ललित कहाँ पे रह गया सर। इसका रोज का है। इसका रोज का है। नाम नहीं दिया। रोज का ऐसा ही इसका है सर। आप नाम ही नहीं लेते उसका। अरे ललित ललित का नाम मैंने लिखा ही नहीं है ऐसा है क्या। अरे बाप रे ललित तो हिट लिस्ट में आ गया इसका मतलब। बेचारे का नाम ही नहीं आता। मेरा भी। और कौन है बेटा बता तो दिया होता मेरे को। ललित ने ललित का नाम ही नहीं है बताओ हिट लिस्ट में पहुंच गया ये। ध्रुव मिंदा पारा ओके यस सर। चलो प्रियंका इज ऑल्सो प्रेजेंट। और कोई रह गया तो बता दो। हजी कोई बाकी छे ते मने कही दो। नील एब्सेंट। मितेश इज ऑल्सो प्रेजेंट। नील की क्यों एब्सेंट करवा रहे हो अटेंडेंस देके चला गया क्या वो। अटेंडेंस आप ही ने छू मंतर आओ करे वो सर मेरी बस आउच कर आउ नहीं करवानो भाई आउ थोड़ी चाले। काल से की कत कर सर जोंगली मीटिंग में वरा जेऊ करे। फर्स्ट मीटिंग में अटेंडेंस आपे सेकंड मीटिंग में छू मंतर करवा देने फेंका ने मत तो बही रहे हाथ पिंडी। चलो ज्यादा फेंको मत मुझे पता है बहुत फेंकते हैं लोग। आ जाओ बेटा क्लास शुरू करते हैं अपन। ज्यादा फेंका नहीं मार। देखो गुजराती मैं तो सीख गया हूँ काफी हद तक मुझे आ गई। आप लोग भी क्लास लेके पूरी सीख जाऊंगा।
चलो कहाँ पे थे अपन लोग? यस, आज हम मीटर ब्रिज करने वाले हैं ना। दो टॉपिक आपके रह गए, एक मीटर ब्रिज और दूसरा है जो पोटेंशियोमीटर। ठीक है, मीटर ब्रिज को समझने से पहले हम देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने क्या देखा था, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज हम सबको पता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में हम सबको पता है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एप्लीकेशन पार्ट है, मीटर ब्रिज इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। वो ये क्या हो रहा है, वो मैजिक हो रहा है, देखो अपने आप चल रहा है पेन। बेटा रुक जा, ये देखो रुकता ही नहीं, चल। हाँ, कई बार स्टिक हो जाता है वो पेन स्क्रीन पे। चलो अब ठीक है, तो मीटर ब्रिज है ना। मीटर ब्रिज क्या है? मीटर ब्रिज है एप्लीकेशन पार्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन पार्ट, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में एक बार देख लेते हैं फटाफट क्विकली। सपोज हमारे पास ऐसा कोई अरेंजमेंट है, यहाँ पे मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, इस तरह से मैंने सर्किट अरेंज किया हुआ है। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस है R1, ये आपका रेजिस्टेंस है R2, ये आपका रेजिस्टेंस है R3 और ये आपका रेजिस्टेंस है R4। और ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे बैटरी से। ठीक है, इस तरह का मैंने कनेक्शन कर। अब व्हीटस्टोन ब्रिज आपका बैलेंस कब कहलाया जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज आपका बैलेंस तब होता है जब आपका गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आता है। इसका मतलब जो करंट आपकी यहाँ पे पास हो रही है, सपोज यहाँ पे I1 करंट पास हो रही है, वो सारी की सारी करंट इस ब्रांच में चली जाए, है ना। इस ब्रांच में कोई भी करंट ना जाए, इस ब्रांच में अगर कोई भी करंट नहीं जाएगी, इसका मतलब आपका गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। आपका जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर है वो एकदम सीधा का सीधा ही रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है। और जब आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो हम ऐसा बोलते हैं R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन। ठीक है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, R1 इंटू R4 इज इक्वल टू R2 इंटू R3। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो गैल्वेनोमीटर में जब कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है, तब हम कह सकते हैं वहां पे नल पॉइंट आ गया, है ना। वो वाली ब्रांच में नल पॉइंट एस्टेब्लिश हो गया है, गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा। तो बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे आपका मीटर ब्रिज बेस्ड है ना। सेम कंसेप्ट पे आपका जो है मीटर ब्रिज बेस्ड है। ठीक है, अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज समझ आ गया, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का ही कंसेप्ट हम फॉलो करेंगे मीटर ब्रिज के अंदर। ठीक है, कोई भी नई चीज नहीं है, सेम कंसेप्ट हम वहां पे फॉलो करेंगे। अब मीटर ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, मीटर का मतलब होता है 1 मीटर, है ना। मीटर का मतलब क्या होता है? 1 मीटर। तो इसके नाम से हमें पता चलता है 1 मीटर लंबा हमारे पास कुछ वायर होगा, है ना। 1 मीटर लंबा हमारे पास कुछ वायर होगा, इस तरह का अरेंजमेंट होता है। देखो एक्चुअली ये प्रैक्टिकल पार्ट है, एप्लीकेशन पार्ट है मीटर ब्रिज। इस तरह का आपका कुछ अरेंजमेंट रहता है मीटर ब्रिज के अंदर। ठीक है, इट इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, यू कैन से बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का एक तरह से एप्लीकेशन पार्ट है। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझते हैं किस तरह से मीटर ब्रिज आपका वर्क करता है। तो मीटर ब्रिज में क्या होता है, जैसे हमें नाम से ही पता है मीटर का मतलब होता है 1 मीटर। तो इसका मतलब यहाँ पे एक वायर होता है और इसका लेंथ होता है 1 मीटर के बराबर। ठीक
ठीक है, ये जो वायर है इसका लेंथ होता है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ये 1 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। अब एक हमारे पास नॉन रेजिस्टेंस होता है, इसको मैं बोल देता हूँ आर, और एक रेजिस्टेंस हमारे पास अननोन होता है, इसको मैं बोल देता हूँ एक्स, ठीक है। अब हम करते क्या है, यहाँ पे सपोज करो ये वायर आपका 1 मीटर का है, ठीक है, 1 मीटर का आपका वायर है और ये यहाँ से एक पॉइंट कनेक्टेड है, इसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है और गैल्वेनोमीटर को हमने एक जॉकी से कनेक्ट किया हुआ है। जॉकी मतलब एक ऐसा पैन जैसा शेप का होता है ना, जिसको आप ऐसे अलग अलग पॉइंट पे पुट करते हो, है ना, वायर पे आप कभी इधर पुट करोगे, कभी आप इधर पुट करोगे, कभी आप इधर पुट करोगे, आप इस पॉइंट को स्लाइड करा सकते हो, जॉकी का जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को आप पूरी वायर पे कहीं भी स्लाइड करवा सकते हो, है ना। तो स्लाइडिंग हमें इसलिए करवाना है ताकि हमें नल पॉइंट मिल जाए। नल पॉइंट वो पॉइंट होगा जहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर का कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। गैल्वेनोमीटर की आपकी क्या स्थिति होगी, गैल्वेनोमीटर में जब कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि नल पॉइंट इज अचीव्ड, ठीक है। तब तक हम इसको जॉकी को स्लाइड करवाते रहेंगे लेफ्ट टू राइट, है ना। तो सपोज करो हमें किसी डिस्टेंस पे नल पॉइंट मिल जाता है, लेट से हमें यहाँ से एक्स दूरी पे एक नल पॉइंट मिल जाता है, ठीक है, हमें सपोज करो एक्स डिस्टेंस पे एक नल पॉइंट मिल जाता, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना हो जाएगा आपका, विच इज़ योर पूरा लेंथ कितना है 1 मीटर, क्योंकि ये मीटर ब्रिज है, तो ये वाला डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स के बराबर, ठीक है, इतना मीटर्स आपका हो जाएगा, ठीक है। अब ये बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कैसे। अब जैसे ही आपको यहाँ पे सपोज करो नल पॉइंट मिल गया, ठीक है, जैसे ही आपको यहाँ पे नल पॉइंट मिल गया तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, देखो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह बन गया। ये एक रेजिस्टेंस हो गया, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा और इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। देखो वापस आपके 4 रेजिस्टेंस आ गए, 1, इसको मैं R1 बोल सकता हूँ, R1, R2, R3, R4, है ना। जैसे ही आपके ये नल पॉइंट एस्टेब्लिश हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, बिल्कुल ऐसी कंडीशन अचीव होगी। देखो जैसे यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज में होता था, व्हीटस्टोन ब्रिज में आप क्या लिखते थे, R1 upon R2 = R3 upon R4, सेम प्रिंसिपल मैं यहाँ पे लगाऊंगा, जैसे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में होता था वैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस कितना है R, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा R upon X विच इज इक्वल टू R3, मेरा क्या है इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस मान लेता हूँ X लेंथ वायर का रेजिस्टेंस है मेरा R3 और 1 माइनस X लेंथ वायर का रेजिस्टेंस है मेरा R4, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ R3 upon R4, इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं, सिंपल मैंने बैलेंस कर दिया व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एप्लीकेशन है एक तरह से, ध्यान से देखो तो व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एप्लीकेशन है, ठीक है। हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है, दिस इज नोन एज योर मीटर ब्रिज, है ना। यहाँ तक सबको समझ आ गया बेटा, रिविजन ही कर रहे हम लोग, कोई नई चीज़ तो नहीं पढ़ रहे, मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे हमने देखो R3 upon R4 लिख दिया, तो R3 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, ध्यान से देखो R3 इज इक्वल टू, क्योंकि वो वायर है तो वायर का रेजिस्टेंस मैं कैसे लिख सकता हूँ, R3 का वैल्यू रो टाइम्स, क्योंकि हमें पता है, हम सबको पता है R = ρL/A होता है, हम सब ने पढ़ा है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R = ρL/A, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ रो टाइम्स, और इसका वायर का लेंथ कितना है एक्स, R3 रेजिस्टेंस पे वायर का लेंथ कितना है एक्स, और वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, ठीक है, अपॉन R4। अब R4 का वैल्यू कितना होगा, देखो ρ × 1 - x ρ × L/A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखो, कई बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन इस तरह का आता है कि जब हम रेजिस्टेंस निकालते हैं और रेजिस्टेंस को डायरेक्टली लेंथ के प्रोपोर्शनल लिखते हैं, वहाँ पे हम क्या एज्यूम करते हैं, व्हाट इज़ द एजम्पशन कि हम रेजिस्टेंस को डायरेक्टली लेंथ के प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। तो ये हमारा एजम्पशन रहता है क्या, कि रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द वायर, रेजिस्टिविटी का कोई भी चेंज नहीं हो रहा है,
बहुत ध्यान से देखो, पूरी वायर में आपका रेजिस्टिविटी सेम है, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो जाएगा तो आपका रेजिस्टेंस आप लेंथ के प्रोपोर्शनल नहीं लिख सकते। लेंथ के प्रोपोर्शनल आप तभी लिख सकते हो जब आपका रेजिस्टिविटी और आपका क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों कांस्टेंट हो जाएगा, देन ओनली यू कैन राइट योर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखो क्या मिल जाएगा, आर अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। ठीक है, तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल इसलिए हुआ क्योंकि यूनिफॉर्म है आपकी रेजिस्टिविटी और क्रॉस सेक्शन एरिया भी आपका यूनिफॉर्म। ठीक है, रेजिस्टिविटी भी यूनिफॉर्म है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी आपका यूनिफॉर्म है। अरे सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? यस, मुझे किसी की आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, मुझे लगा सन्नाटा छा गया, पता नहीं क्या हो गया एकदम से। ठीक है, हाँ तो ये पॉइंट पे क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ओनली व्हेन योर रेजिस्टिविटी इज यूनिफॉर्म एंड योर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर इज ऑल्सो यूनिफॉर्म। ठीक है, तो इस कंडीशन में मैं लिख सकता हूँ आर अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो मुझे अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, तो अननोन रेजिस्टेंस मेरा क्या है यहाँ पे x, r का वैल्यू मुझे पता होगा तो अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ r इंटू वन माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, बस इतना सा यूज होता है इसका मीटर ब्रिज का। अच्छा एक पॉइंट और आप नोटिस करो, सपोज करो अगर आपकी x की वैल्यू आई, सपोज करो मेरे को ये गिवन रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम का, सपोज करो नॉन रेजिस्टेंस इज ऑफ 5 ओम एंड मुझे नल पॉइंट मिलता है x इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। नल पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है? x इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 माइनस x कितना हो जाएगा? 1 माइनस x भी आपका किसके बराबर हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो मेरा अननोन रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा बताओ? अननोन रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? x का वैल्यू आपका किसके बराबर हो जाएगा? यस, एक तो चैट बॉक्स गायब हो गया, मुझे किसी के चैट्स दिखाई नहीं दे रहे, कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें। सबको आवाज तो आ रहा है ना? आई एम नॉट एबल टू सी द चैट बॉक्स। हाँ अब दिखाई दिया, हाँ ठीक है, अब ठीक है, अब विजिबल है। तो हाँ रेजिस्टेंस आपका सेम ही रहेगा है ना, जितना आपका नॉन रेजिस्टेंस है उतना आपका अननोन रेजिस्टेंस, दोनों इक्वल हो जाएंगे है ना, नॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू अननोन रेजिस्टेंस। अब मैंने क्या किया, x की वैल्यू को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, सपोज मैंने x का वैल्यू कर दिया 60 सेंटीमीटर। एक मिनट, हाँ बेटा, समझ नहीं आया, सेम कैसे? समझ नहीं आया, अच्छा देखो इधर, सेम कैसे होगा इधर देखो, अननोन रेजिस्टेंस ने निकाला, ये फॉर्मूला देख रहे हो आप स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा है, x इज इक्वल टू आर इंटू वन माइनस एक्स अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ 50 सेंटीमीटर पुट करो तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स कितना हो जाएगा बेटा? ये 1 माइनस एक्स मीटर में, एक्चुअली बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, ये मैंने मीटर में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है, तो ये भी आप मीटर में रखोगे। ठीक है, अगर आप सेंटीमीटर वाला इक्वेशन यूज करना चाहते हो तो आप इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर लो पहले ही, आर इंटू 1 मीटर को एक दो 100 सेंटीमीटर माइनस एक्स सेंटीमीटर अपॉन एक्स सेंटीमीटर है ना। अगर आप सेंटीमीटर में यूज करोगे तो आप ये इक्वेशन को यूज करो, अगर आप मीटर में यूज़ करना चाहते हो तो इसको यूज़ करो, दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हो, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, ये 0.5 मीटर हो जाए। ठीक है, तो वो यूनिट्स का आप ध्यान रख लेना, सेंटीमीटर में जनरली सेंटीमीटर में आपको दिया रहता है, तो आप ये वाला इक्वेशन डायरेक्टली यूज़ करो, वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। ठीक है, हाँ उसका ध्यान रखो। हाँ
तो दोनों का रेजिस्टेंस बिल्कुल सेम हो जाएगा। आप समझ आ गए बेटा, है ना? अगर नल पॉइंट आपका एग्जैक्ट 50 सेंटीमीटर पे आता है तो आपका अननोन रेजिस्टेंस नोन रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका इस पे पूछा गया था एग्जाम। अच्छा, फिर उसने क्या किया, एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करना स्टार्ट किया। सपोज करो मैंने एक्स का वैल्यू कर दिया 50 से इंक्रीज कर दिया 60 सेंटीमीटर। अब आपके रेजिस्टेंस में देखो क्या फर्क पड़ेगा, आपका रेजिस्टेंस घटेगा कि बढ़ेगा, आपको वो ऑब्जर्व करना है। तो 1 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स आपका हो जाएगा, सॉरी हाँ 1 माइनस एक्स मतलब 100 माइनस एक्स, मुझे 1 माइनस एक्स नहीं लिखना चाहिए, इसलिए शायद आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, इसको मुझे 100 माइनस एक्स लिखना चाहिए, है ना? यहाँ भी मैं इसको 100 माइनस एक्स लिख देता हूँ, इसलिए शायद आप कंफ्यूज हो गए थे, इसको 100 माइनस एक्स ही लिखना चाहिए। चलो तो 100 माइनस एक्स का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है? अब मुझे बताओ x का वैल्यू क्या आएगा, मतलब अननोन रेजिस्टर आपका किसके बराबर आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर अननोन रेजिस्टेंस? यस, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू अब बताओ कितना आएगा, हाँ 10/3, मितेश सैनी ने निकाला, 10/3, सबका 10/3 आ रहा है। यस, यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लो, 5 × 100 - x कितना हो गया, 40/60, 5 × 40/60, 10/3 आ रहा है सबका। पहले आपका रेजिस्टेंस कितना था, 5 ओम के बराबर, फिर आपका रेजिस्टेंस कितना आ गया, 10/3, मतलब 5 से कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, 5 से कम हुआ ना, है ना? 5 ओम से आपका रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, अननोन रेजिस्टेंस आपका 5 ओम से क्या हो गया, कम हो गया। सबको समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या किया, x का वैल्यू और बढ़ाते गया, ध्यान से देखो, मैंने x का वैल्यू और बढ़ा दिया, अभी मेरा मन नहीं माना, चलो बढ़ा दो। अब मैंने x का वैल्यू कर दिया 90 सेंटीमीटर, तो 100 माइनस एक्स आपका कितना हो गया, 100 माइनस एक्स हो गया आपका 10 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है? तो आपको अननोन रेजिस्टर किसके बराबर हो जाएगा बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस? अब आपका हो गया 5/9 ओम, सबने निकाला, अब 5/9 ओम हो गया, है ना? अब आपका एक्स का वैल्यू हो गया 5/9 ओम, इसका मतलब आपका रेजिस्टेंस और कम हो गया, 5/9 मतलब घटता जा रहा है, जैसे जैसे आप एक्स का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो तो आपका अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होता जा रहा है ना, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब देखो, अब बड़ा मजा आया, अब मैंने क्या किया, एक्स का वैल्यू कर दिया 99.9 सेंटीमीटर, एक्स का वैल्यू कितना कर दिया, 99.9 सेंटीमीटर, और 100 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 माइनस एक्स जो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.9 सेंटीमीटर। सपोज करो मुझे नल पॉइंट मिला है 99.9 सेंटीमीटर पे, मतलब मैंने सोचो जॉकी को कितना आगे घुमाया, जॉकी को मैं इतना आगे ले गया, इतना आगे ले गया कि मुझे नल पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। देखो मैं जॉकी को आगे स्लाइड करा रहा हूँ और स्लाइड करा के यहाँ पे ले गया, तो मुझे सपोज करो यहाँ पे नल पॉइंट मिला 99.9 सेंटीमीटर पे, कहाँ पे मिला, 99.9 सेंटीमीटर, इधर मुझे नल पॉइंट मिल रहा है सपोज करो, है ना? मैं एक्चुअली एक्सपेरिमेंट है ना, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो नल पॉइंट हमें कहीं भी मिल सकता है, हमें नहीं पता ना कहाँ पे मिलेगा। सपोज करो मुझे 99.9 सेंटीमीटर पे मिल गया, तो अब आपका रेजिस्टेंस कैसे चेंज करेगा, देखो अब आपका रेजिस्टेंस में किस तरह से चेंज आएगा, तो बताओ अब आपका x का वैल्यू कितना आएगा, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा, कैपिटल x का वैल्यू, यस 5/999, सोचो कितना कम हो गया, मतलब इतने कम तो रेजिस्टर अवेलेबल भी नहीं होगा आपके पास, 5/999 है ना, इतना अननोन रेजिस्टेंस देखो कितना कम हो गया, 5/999, मतलब ये क्या रेजिस्टेंस है, क्या कुछ नहीं है, ये तो नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस के बराबर है। इसलिए हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप
अपने रेजिस्टेंस को इस तरह से रखो, रेजिस्टेंस मतलब नॉन रेजिस्टर को, है ना, नॉन रेजिस्टर का वैल्यू इस तरह से सिलेक्ट करना चाहिए हमें जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमारा नल पॉइंट जो है एग्जैक्टली 50-50 सेंटीमीटर पे आ जाए तो सबसे अच्छा है, है ना, क्योंकि इस पे हमें रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, है ना। जब हमारा नल पॉइंट देखो 50 सेंटीमीटर पे आ रहा था तो हमारा अननोन रेजिस्टर एग्जैक्ट नोन रेजिस्टेंस के बराबर ही आ रहा था, है ना, लगभग लगभग सेम आ रहा था। तो हमें तो अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना होता है ना, तो अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर नोन रेजिस्टेंस के बराबर ही आ जाए तो हम इजीली उसको कैलिब्रेट करके दे सकते हैं, उस रेजिस्टेंस का वैल्यू हम कैलिब्रेट करके दे सकते हैं। जैसे हम तराजू पे सब्जी लेने जाते हैं जब हम मार्केट में, तो वो सब्जी वाला क्या करता है, तराजू लेता है और 5 किलो एक तरफ रखता है और सब्जी एक तरफ रखता है, अब दोनों को तोल देता है बराबर, तो जब दोनों बैलेंस हो जाते हैं 5-5 किलो दोनों तरफ हो जाता है तो वो हमें दे देता है, भैया ये ले जाओ 5 किलो का आपका सब्जी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें मीटर ब्रिज में भी यही फंडा लगाना है कि आपका मीटर ब्रिज, तब एक्सपेरिमेंट आपका ज़्यादा एक्यूरेट कहलाया जाएगा जब आपका जो डिस्टेंस है दोनों तरफ से इक्वल रहेगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा तो सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा, इक्वल नहीं भी होगा तो इतना डिफरेंस आपका चल जाएगा 60-40 का, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि आपका नल पॉइंट मिल रहा है आपको 99.9 सेंटीमीटर पे, तो ये यहाँ पे रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा ख़राब मिलने लग जाते हैं। मतलब आप देखो अननोन रेजिस्टेंस आपका कितना छोटा आ रहा है, इतना तो रेजिस्टेंस कम होना ही नहीं चाहिए, है ना, ऐसा तो मार्केट में कोई भी रेजिस्टर इतना छोटा अवेलेबल नहीं। तो इस तरह से आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेंस पे बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये पढ़ाया जाता है, खैर अब हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, लेकिन मैंने आपको सारे डेटा लेके बता दिया है कि इस तरह से हम डेटा को चेंज करते हैं तो हमें अलग अलग रिजल्ट्स इस पे मिलते हैं, ठीक है। आप अलग अलग डेटा पुट करके इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो मीटर ब्रिज में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया और इससे ऊपर कुछ पूछ भी नहीं सकता है वो, जितना पूछ सकता था उतना मैंने आपको बता दिया। सबको समझ आ गया मीटर ब्रिज अच्छे से? यस, ऑल ऑफ यू गॉट द मीटर ब्रिज? बस यस सर। चलो अब आ जाओ पोटेंशियोमीटर पे। पोटेंशियोमीटर पे आपसे क्या पूछ सकता है? चलो पोटेंशियोमीटर देखते हैं अब। तो पोटेंशियोमीटर भी ऐसा ही डिवाइस है, लेकिन पोटेंशियोमीटर क्या करता है, पोटेंशियोमीटर आपका लैब में आपने देखा होगा उसमें वायर का लेंथ बड़ा होता है, है ना। पोटेंशियोमीटर के जो वायर्स होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, मतलब 20 मीटर का वायर है सपोज़ करो आपके पास, तो 20 मीटर थोड़ी इतने में आ जाएगा, तो आपको वायर ऐसे कॉइल किया होता है वहाँ पर, यहाँ से यहाँ ले गए 1 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ ले गए 1 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ ले गए 1 मीटर, इस तरह से आपका वायर लगा होता है पोटेंशियोमीटर, ऐसे 20 बार टर्न दिए होते तो आपका 20 मीटर कवर हो जाता, ठीक है। जैसे मीटर ब्रिज में 1 मीटर लंबा वायर होता था आपका, वैसे पोटेंशियोमीटर में जो वायर का लेंथ होता है वो 10 से 20 मीटर के अराउंड रहता है ना, 5 मीटर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, 6 मीटर भी हो सकता है, 8 मीटर भी हो सकता है, लेकिन 1 मीटर से हमेशा बड़ा ही होता है ना, 1 मीटर के अबाउट नहीं होता, 1 मीटर से ज़्यादा ही होता। तो इस तरह से वायर को कॉइल किया होता है, ऐसे टर्न किया होता है। तो पोटेंशियोमीटर का भी जो कंसेप्ट है वो इसी पे वर्क करता है। अब पोटेंशियोमीटर को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, दैट इज़ योर पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना, व्हाट इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट? तो ग्रेडियंट टर्म हम सबने सुना हुआ है, ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस आपका एक्स में भी हो सकता है, डिस्टेंस आपका वाई में भी हो सकता है, डिस्टेंस आपका जेड में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, डिस्टेंस तो कोई भी कोऑर्डिनेट में हो सकता है। जब डिस्टेंस के साथ कोई पैरामीटर चेंज करता है आप, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट बोलते हैं। जैसे आपने सबने 11th क्लास में फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, एक टर्म पढ़ा होगा, दैट इज योर वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट आप सबने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, मुझे पता है आपको याद नहीं होगा, भूल गए होंगे, क्योंकि हम ज़्यादा तो पढ़ाई करते नहीं हैं, गरबा खेलते रहते, है ना। तो 11th क्लास में हम सबने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा हुआ है,
जिन्होंने नहीं पढ़ा वो अभी जाके कॉपी खोल के देखेंगे। वहाँ पे आपने एक ऐसा टर्म पढ़ा था वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई, डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी का चेंज हो, ठीक है। जैसे इस तरह का आपके पास एक पाइप होता था और पाइप में सपोज करो इस डिस्टेंस पे आपकी कुछ वेलोसिटी होती थी, जब आप इस डिस्टेंस पे जाते थे तो आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाती थी, है ना। तो वेलोसिटी का एक्स के साथ चेंज हो। सिमिलरली आपने 11th क्लास में एक चैप्टर और पढ़ा था हीट एंड टेम्परेचर, और वहाँ पे आपने पढ़ा था टेम्परेचर ग्रेडियंट। वहाँ पे आपने एक टर्म पढ़ा था टेम्परेचर ग्रेडियंट, जब आपने कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन पढ़ा होगा तो कंडक्शन के लॉ में टेम्परेचर ग्रेडियंट करके एक टर्म आता है। अब टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब होता है टेम्परेचर का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, है ना। टेम्परेचर का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, जैसे मैंने कोई एक रॉड लिया उसको मैंने यहाँ से हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है। तब होता क्या है, जिस पॉइंट पे मैं हीट कर रहा हूँ यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे मैं आगे जाते जाता हूँ तो आपका टेम्परेचर कम होने लगता है, है ना। यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा डाउन होगा, यहाँ का टेम्परेचर और कम होगा, और सबसे ये वाला जो एंड होगा इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कम होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, जो भी कर रहा है, मतलब चेंज कर रहा है ना। डिस्टेंस के साथ आपका टेम्परेचर चेंज कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो वैसे ही हम यहाँ पे जो सर्किट पढ़ रहे हैं यहाँ पे आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा। पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल में आपका चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं डीवी बाई डी एक्स, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। वैसे ही आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट होता था उसको हम लिखते थे डीवी अपॉन डीवाई, यहाँ पे वो वेलोसिटी होती थी, यहाँ पे आपका पोटेंशियल। सिमिलरली अगर मुझे टेम्परेचर ग्रेडियंट लिखना होता तो मैं ऐसे लिखता था डी टी अपॉन डी एक्स, टेम्परेचर का एक्स के साथ चेंज, ठीक है। तो ग्रेडियंट का मतलब आप समझ गए ना, जहाँ पे भी ग्रेडियंट टर्म आएगा उसका मतलब है डिस्टेंस के साथ उस पैरामीटर का चेंज। जहाँ पे भी ग्रेडियंट का टर्म आएगा मतलब डिस्टेंस के साथ उस पैरामीटर में क्या चेंज हो रहा है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात करेंगे, तो सबसे पहले आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट समझ आना चाहिए। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, सपोज करो हमारे पास एक वायर है, ठीक है। इस वायर का हायर पोटेंशियल है 100 वोल्ट का और इस वायर का जो लोअर पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट, ठीक है। और वायर का टोटल लेंथ आपको दिया हुआ है, टोटल लेंथ मतलब पोटेंशियोमीटर में टोटल लेंथ का मतलब होता है इस तरह से कॉइलिंग करके जितनी भी आपकी टोटल वायर लगी है ना, उस पूरी टोटल लेंथ का आपको टोटल लेंथ दिया होगा 20 मीटर सपोज करो, ठीक है। 20 मीटर लॉन्ग आपका वायर है, तो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा आप बता सकते हो, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर दिस वायर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर दिस वायर। यस, इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, कौन बताएगा। हाँ वेरी गुड, आरती सिंह, यश मुरडिया, ललित, सबने सही बताया। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 0 अपॉन 20, तो दिस विल बी 5 वोल्ट पर मीटर। बिल्कुल यही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले पोटेंशियोमीटर में, तो बड़े ध्यान से देखना। अब पोटेंशियोमीटर भी आपका क्या होता है, पहला एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर का नल पॉइंट फाइंड करने, है ना। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर इज़ टू फाइंड द नल पॉइंट। तो चलो पोटेंशियोमीटर को अब समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो मैंने ऐसा एक अरेंजमेंट बनाया, ध्यान से देखो, ये मैंने एक बैटरी लगा दी, अच्छा ये मेरा पोटेंशियोमीटर है, ये मैंने 100 वोल्ट की एक बैटरी लगा दी, तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल हो गया 100 वोल्ट और ये वाले टर्मिनल पे आपका पोटेंशियल हो गया 0, ठीक है। और यहाँ पे मेरा कनेक्टेड है आपका गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये वाली ब्रांच में आपका क्या कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ से मैंने ऐसा एक कनेक्शन दे दिया, यहाँ पे मैंने एक और बैटरी लगा दी 8 वोल्ट की,
इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है सपोज करो 1 ओम के बराबर, ठीक है, और इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर को मैंने कनेक्ट किया हुआ है जॉकी से। जॉकी मतलब इस तरह का आपका एक पॉइंटर होता है, ये पॉइंटर को हम बोलते हैं जॉकी, ठीक है। सपोज करो मुझे इस पॉइंट पे नल पॉइंट मिला, ये वाले पॉइंट पे मुझे क्या मिल गया, नल पॉइंट मिल गया, है ना, इस वाले पॉइंट पे मुझे नल पॉइंट मिल गया। टोटल लेंथ मुझे वायर का गिवन है, पोटेंशियोमीटर की वायर का टोटल लेंथ मुझे पता है 20 मीटर्स, इसका टोटल लेंथ कितना है 20 मीटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे नल पॉइंट मिल गया सपोज करो, तो जैसे ही मुझे इस पॉइंट पे नल पॉइंट मिलेगा तो ये वाली सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे ही मुझे नल पॉइंट मिल गया मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, नल पॉइंट मिला मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आने का मतलब है ये वाली ब्रांच में कोई भी करंट आपका फ्लो नहीं करेगा, ये वाली ब्रांच में कोई भी करंट आपका फ्लो नहीं करेगा, मतलब ये सर्किट में कोई भी करंट आपका फ्लो नहीं करेगा। अब ये सर्किट में कोई भी करंट आपका फ्लो अगर नहीं करेगा तो जितना पोटेंशियल ये दो पॉइंट के बीच में होगा उतना ही पोटेंशियल आपके बैटरी के अक्रॉस होगा, होगा कि नहीं होगा, जितना पोटेंशियल का डिफरेंस आपका ये दो पॉइंट्स के बीच में होगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए और इसको मैं नाम दे देता हूँ एन, ठीक है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस आपका ये दो पॉइंट्स के बीच में होगा उतना ही पोटेंशियल का डिफरेंस आपका बैटरी के अक्रॉस होगा, क्योंकि इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा तभी आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट हमेशा हमें पता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, लेकिन जब पोटेंशियल का डिफरेंस ही आपका सेम हो जाएगा तो इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, अगर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा मतलब मुझे नल पॉइंट मिल गया, यही तो मैं बोल रहा हूँ, कहने का मतलब तो यही है कि जब आपको नल पॉइंट मिलता है तो आपके गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। सबको समझ आया बेटा, ये मेन कंसेप्ट है इसका पोटेंशियोमीटर का, ठीक है, पोटेंशियोमीटर का ये मेजर कंसेप्ट है, ये आपको पता रहना चाहिए। तो अब यहाँ पे कोई भी करंट नहीं गया तो आपका क्या बैलेंस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस आपका बैलेंस हो गया, तो चलो इसका पोटेंशियल निकालते हैं, इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो सबसे पहले आप पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालो, पूरी वायर की लेंथ आपकी 20 मीटर है और 20 मीटर के अक्रॉस आपका पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है 100, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा 100 माइनस 0 अपॉन 20, और सपोज करो ये लेंथ आपको दी हुई है एक्स, हमें नहीं पता ना कितने लेंथ पे आपका नल पॉइंट आ रहा है तो उसको मैंने मान लिया एक्स, ठीक है। तो एक्स लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, एक्स लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस आपका हो जाएगा योर पोटेंशियल ग्रेडियंट विच इज डी वी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, ठीक है, ये आपका पोटेंशियल हो गया डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड एन, ठीक है। जो पोटेंशियल आपका ये दो पॉइंट्स के बीच में होगा उतना ही पोटेंशियल आपका बैटरी के अक्रॉस होगा, तभी आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसको मैं इक्वेट कर सकता हूँ किससे, 8 वोल्ट्स। तो यहाँ पे मुझे x का वैल्यू पता चल जाएगा कितने डिस्टेंस पे आपका नल पॉइंट आ रहा है ना, तो x का वैल्यू हो जाएगा 8 अपॉन 5 मीटर्स। तो पोटेंशियोमीटर का फर्स्ट एप्लीकेशन यही है कि जब हमें नल पॉइंट निकालना हो कि कितने डिस्टेंस पे आपका नल पॉइंट आ रहा है तो हम इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबको क्लियर हुआ, यस एवरीवन गॉट दिस, काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना। अच्छा दूसरा एप्लीकेशन क्या होता है इसका, सेकंड एप्लीकेशन है इसका कि जब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना होता है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर मान लो हमें किसी बैटरी का निकालना है, सेकंड एप्लीकेशन इसका है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। नो सर नहीं समझ आया, यस मोरडिया को नहीं समझ आया, कहाँ पे दिक्कत आई बताओ बेटा, खुल के बता दो बेटा अभी। हाँ अभी क्योंकि दूसरी बार पढ़ रहे हैं फिर मैं तीसरी बार नहीं पढ़ाऊंगा। यस यश को बेटा कहाँ प्रॉब्लम आई बताओ, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, फिर से बताऊँ फर्स्ट एप्लीकेशन फिर से बताऊँ। अच्छा ग्रेडियंट के बाद नहीं समझ आया क्या किया, ओके देखो इधर, अच्छा देखो ग्रेडियंट के बाद में दिक्कत आई, इधर आ जाओ, देखो देखो देखो
देखो ग्रेडियंट सबको निकालना आ गया, इतना तो हमें पता चल गया है ना। ग्रेडियंट मुझे निकालना है मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है, ठीक है। अब ग्रेडियंट तो मुझे पता चल गया, डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू मुझे एक बार पता चल गया, तो मुझे क्या करना है, ये दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना। तो मैं पोटेंशियल का डिफरेंस कैसे निकालूंगा, डी वी अपॉन डी एक्स, अगर मैं इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डी वी बाई डी एक्स को थोड़ा फील करो ना, डी वी बाई डी एक्स का मतलब है कितना पोटेंशियल आपका पर मीटर आ रहा है, कितना पोटेंशियल पर मीटर आ रहा है। तो पर मीटर आपका इतना पोटेंशियल आ रहा है 100/20, मतलब 5 वोल्ट पर मीटर। एक मीटर में कितना पोटेंशियल आ रहा है आपका 5 वोल्ट, तो x मीटर में कितना पोटेंशियल आएगा, यूनिटरी मेथड लगा लो, एक मीटर में अगर 5 वोल्ट का पोटेंशियल आ रहा है तो x मीटर लेंथ में कितना पोटेंशियल आ जाएगा। तो उसको x से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे, करोगे ना, तो मैंने वही किया। ये बिल्कुल वैसे ही खेल है जैसे आपको पूछा हो एक चॉकलेट की कीमत आपको दे दी है 20 रुपये, है ना, तो बताओ 10 चॉकलेट की कीमत कितनी होगी, जैसे हम बचपन में करते थे वही बचपना आपको याद करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको पोटेंशियल पता चल गया पर मीटर का, पर मीटर का पोटेंशियल हमें पता चल गया, इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब एक मीटर में कितना पोटेंशियल आपका आ गया, ये हमें पता चल गया। तो उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया x से, तो x मीटर का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था इसलिए मैंने उसको x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे मुझे x लेंथ का पोटेंशियल पता चल गया। अब ये जो पोटेंशियल होगा 5x, जो हमारा वैल्यू आया 5x, ये जो पोटेंशियल इस टर्मिनल के अक्रॉस है a और n के अक्रॉस, वो पोटेंशियल इस 8 वोल्ट के बराबर होगा। क्यों, तभी तो आपका करंट का फ्लो नहीं करेगा, तभी तो आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, तभी तो आपका नल पॉइंट अचीव हो पाएगा। नल पॉइंट तभी अचीव हो पाएगा जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल आपके सेम होने चाहिए, तभी आपका करंट का फ्लो नहीं होगा। तो इसको मैंने किससे इक्वेट कर दिया, 8 से इक्वेट। तो आपको x का वैल्यू मिल गया, मतलब आपको नल पॉइंट का डिस्टेंस पता चल गया, विच इज 8/5 मीटर। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो, कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? अरे हाँ ना तो बोल दो, यस। चलो बहुत बढ़िया, अब मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा, जिनको नहीं भी समझ आना होगा उसको भी समझ आ गया। चलो ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन क्या होता है पोटेंशियोमीटर का, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है लेकिन कंसेप्ट हर जगह सेम ही लगेगा, है ना, कंसेप्ट हमेशा यही लगेगा, चाहे आप एप्लीकेशन हजारों, मतलब ऐसे तो 3-4 एप्लीकेशन इसके मेजर है लेकिन सब जगह सेम ही कंसेप्ट। अब सपोज करो मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इस तरह से मैंने पोटेंशियोमीटर, ये मैंने बैटरी लगा दी और इस तरह से मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे निकालना है बैटरी का, है ना, तो मैंने सबसे पहले एक बैटरी लगा दी जिसका मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, ठीक है, इसका ईएमएफ सपोज करो E1 ई है जो भी लेना, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, ठीक है, और ये एक और रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, दिस इज योर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसको मैं बोल देता हूँ कैपिटल आर। तो पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसके अक्रॉस गैल्वेनोमीटर लगाया और उसको जॉकी के थ्रू कनेक्ट कर दिया इस पोटेंशियोमीटर, ठीक है, पहले मैंने गैल्वेनोमीटर से इस जॉकी के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया। तो सपोज करो मुझे L1 डिस्टेंस पे एक नल पॉइंट मिला N1, मुझे यहाँ से L1 डिस्टेंस पे एक नल पॉइंट मिल गया N1, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पे क्या इक्वेशन लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ dv बाई dx मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट को जब मैं L1 लेंथ से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे ये दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस पता चल जाएगा a और n1 के बीच में, और ये किसके बराबर होगा, ये इस बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा, ई के बराबर होगा, ठीक है, सबको समझ आया। अब मैंने क्या किया, पूरे सेटअप को एक साथ कनेक्ट किया, ध्यान से देखो, फिर से मैं एक और ड्राइंग बनाता हूँ। अब मैंने दोनों को एक साथ कनेक्ट किया इस बैटरी से, बैटरी का वोल्टेज V ले लो। अब मैंने क्या किया, दोनों को एक साथ कनेक्ट किया, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों को मैंने एक साथ जॉकी के थ्रू कनेक्ट कर दिया। ये मेरी बैटरी है,
ये मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मैंने दोनों को एक साथ गैल्वेनोमीटर लगाया और उसको जॉकी के थ्रू कनेक्ट कर दिया, तो सपोज करो मुझे नल पॉइंट एन टू पे मिला, है ना। अब डिस्टेंस आपका ऑब्वियसली चेंज हो ही जाएगा क्योंकि अब मैंने एक्सटर्नल एक रेजिस्टेंस भी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो सपोज करो ये लेंथ आपको मिला L2 के बराबर, L2 डिस्टेंस पे आपको नल पॉइंट मिला N2 के बराबर, ठीक है। मैंने इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया, तो अब यहाँ पे मैं क्या इक्वेशन लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या इक्वेशन लिख सकता हूँ, देखो इस बैटरी का ई एम एफ है E1, तो आई कैन राइट लाइक दिस, इसके अक्रॉस आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, है ना, डी वी बाई डी एक्स। यहाँ पे देखो क्या इक्वेशन होगा, डी वी बाई डी एक्स इंटू एल टू इंटू एल टू, मतलब ये दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मैं लिख सकता हूँ, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट एन टू, है ना। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स इंटू एल टू, और ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, इस बैटरी के अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा। अब वो कितना होगा, विच इज ई वन, पहले तो करंट निकाल लो, इसमें करंट कितना होगा इस सर्किट में, ई वन अपॉन आर प्लस आर, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस अब आपका कितना हो जाएगा, ई वन अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा कैपिटल आर से, ठीक है। तो ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स इंटू एल टू के बराबर हो जाएगा, है ना। दोनों का पोटेंशियल आपका सेम हो जाएगा ना, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल मैंने इक्वेट कर दिया अगेन, तो मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं ई लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ई वन से अच्छा ई लिखो क्योंकि मैंने ई कंसिडर किया, ठीक है। तो ये इक्वेशन वन हो गया और ये आपका इक्वेशन टू हो गया। अब आप क्या करो, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, सिंपल, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिलेगा, देखो ई वन अपॉन, सॉरी ई वन क्यों लिख रहा हूँ, ई लिखना है, ई अपॉन आर प्लस आर इंटू कैपिटल आर विच इज इक्वल टू एल वन बाई एल टू, डी वी बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ई से ई भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको इक्वेशन मिल जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर विच इज इक्वल टू एल वन बाई एल टू, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मुझे गिवन रहेगा, L1 L2 भी मुझे पता चल जाएगा बाय एक्सपेरिमेंट, जब मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा तो मुझे L1 और L2 का वैल्यू पता चल जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मुझे गिवन रहेगा, तो क्या मैं इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। यहाँ से आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ जाएगा सॉल्व करोगे तो, R इज इक्वल टू कैपिटल R L1 बाय L2 माइनस वन, L1 बाय L2 माइनस, तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस का। तो पोटेंशियोमीटर का इस ये सेकंड एप्लीकेशन है कि जब हमें किसी भी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हो तब भी हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी निकालने के लिए भी हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते। सबको क्लियर हो गया, ऑल ऑफ यू गॉट दिस, बेटा हाँ ना तो बोलो, यस सर। चलो बहुत बढ़िया। इसके अलावा इसका एक और लास्ट एप्लीकेशन है, थर्ड एप्लीकेशन, वो भी मैं बता देता हूँ, दो मिनट का काम है फिर आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाए, ठीक है। फिर इवनिंग वाली क्लास में हम, तो बेटा थैंक यू मत कर, अभी बता दूँ कि शाम को करो, फिर अभी सुन लो ना, सिंपल सा है, ख़त्म हो जाएगा फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फ्लो में चल रहे हो तो पाँच मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लो, क्या दिक्कत है, अभी बता देता हूँ ना, शाम को आओगे क्या आप लोग, वेलकम सर, है बेटा, हाँ शाम को करेंगे फिर, चलो शाम को कंटिन्यू कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ ज़्यादा थक गए बच्चे। चलो ठीक है बेटा, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, शाम को बता दूंगा कोई बात, ठीक है, चलो शाम को सर।